फ्रेंड्स, मकर संक्रांति आ गई है और तिल गुड़ खाने का मौसम भी आ गया है। ये इस टाइम पूरा फेस्टिव माहौल हो जाता है। कहीं लोहड़ी मनाई जाती है, कहीं मकर संक्रांति मनाई जाती है, कहीं बिहू मनाया जाता है, और सब में एक चीज़ कॉमन है, तिल गुड़ के लड्डू। क्योंकि तिल कुछ ऐसे पहले बना हुआ था सिस्टम कि तिल जो है ये इस मौसम में खाना, ठंड के मौसम में खाना बहुत ही फायदेमंद होता है, तो इसको त्योहार से जोड़ दिया गया है। सो सबसे पहले इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेगा? इसमें 150 ग्राम तिल लगेंगे, उतना ही लगभग गुड़ लगेगा, आधा से एक चम्मच घी लगेगी और थोड़ा सा पानी लगेगा। चलिए सबसे पहले हमें अपना ड्राई रोस्ट कर लेना है तिल। हाँ फ्रेंड्स, गैस पे हमने पैन चढ़ा दी है और ये हम अपना तिल डाल देंगे। इसको हमें अच्छे से स्टर करना है, अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है, जब तक कि इसमें अच्छा सा एरोमा ना आने लगे और ये हल्के ब्राउन कलर का ना हो जाए। इसको धीमी से मीडियम आंच पे, ज़्यादातर आप इसको धीमी आंच पे ही भुने, नहीं तो ये जल जाएगा, इसका स्वाद बिगड़ जाएगा। धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट आप इसको भुनेंगे तो इसका कलर और एरोमा एकदम चेंज हो जाएगा और ये हमारे बनाने लायक हो जाएगा। अब हम इसको धीमी आंच पे भुनेंगे। हाँ फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं तिल हमारा एकदम से हो चुका है, ये लाइट ब्राउन हो चुका है, बस इससे ज़्यादा ब्राउन हमें नहीं करना है। और ये थोड़ा स्वेल भी हो जाता है, थोड़ा फूल भी जाता है, हल्का हल्का ये ऑयल रिलीज करने लगता है और बहुत ही अच्छा एरोमा आ जाता है, तो आप समझ जाएंगे कि ये तिल हो गया। बस आप तुरंत गैस बंद कर दीजिए, वरना ये कढ़ाई में ही जल जाएगा, और तुरंत इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। हाँ फ्रेंड्स, पैन अभी हमारा गर्म ही है। अब इसमें हम अपना एक से आधा चम्मच घी डालेंगे, देसी घी डालेंगे, और अपना गुड़ डाल देंगे। अब इसको हमें अच्छे से मेल्ट करना है, आंच धीमी रखिए जब तक कि गुड़ गल ना जाए। अब हमें इसको अच्छे से मेल्ट कर लेना है। हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा गुड़ गलना स्टार्ट हो गया है। अब ये जो बड़े बड़े टुकड़े हैं ये भी गल जाएंगे जल्दी, और जब तक इसमें बबल्स ना आने लगे तब तक हम इसको लगातार चलाते रहेंगे धीमी आंच पे। एक तार की चाशनी हमको इस पे देखनी है कि एक तार की जब आप ऐसे करेंगे तो ऐसे लंबा लंबा गिरने लगे। अभी आप इसको लगातार चलाते रहेंगे, जब इसमें अच्छे से बबल्स आने लगेंगे और पूरा गुड़ अच्छे से गल जाएगा तब आप समझ लीजिए कि आपकी ये गुड़ पक चुके हैं, गुड़ की चाशनी तैयार हो गई है। और इसको लगातार चलाते रहने हैं और इसमें खूब बबल आए वो देख लेना है। हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए गुड़ में हमारे कितने अच्छे बबल्स आने लगे हैं। अब इसको टेस्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि गुड़ हमारे पके कि नहीं। एक कटोरी में हम पानी ले लेंगे और उसमें अपनी चाशनी डालेंगे ऐसे करके। अगर ये फैल जाए तो समझ लीजिए कि अभी इसको थोड़ा टाइम है, और जब ये बॉल्स बनने लगे यानी कि तब हो गई है अभी, यानी हमें 1 मिनट और इसको चलाना पड़ेगा। हाँ फ्रेंड्स, अब हम फिर से चेक कर लेंगे। हाँ, ये देखिए अब ये बॉल्स बनने लगे हैं, ये देखिए ये एक जगह इकट्ठा होने लगा है, यानी कि अब ये हमारे पक गए हैं। हाँ फ्रेंड्स, इस स्टेज पे हम अपना तिल मिक्स कर देंगे अपने गुड़ की चाशनी में और गैस ऑफ कर देंगे और इसको चलाते रहेंगे। गैस हम ऑफ कर देंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे, मिश्रण को अच्छे से हमें मिला लेना। हाँ फ्रेंड्स, ये मिश्रण थोड़ा सा ठंडा हो गया है, लेकिन अभी ये गर्म ही है, ये काफ़ी गर्म है, और अगर ये ठंडा हो जाएगा तो इसके लड्डू भी नहीं बनेंगे। ये देख रहे हैं कैसे जल्दी जल्दी जमना शुरू हो जाता है। तो बस आप अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लें और इसकी बॉल्स अच्छे अच्छे बनाने लगे। ये देखिए बस इस मिश्रण को ठंडा नहीं होने देना है और ऐसे ही ऐसे करके हम अपने बॉल्स बना लेंगे जल्दी जल्दी करके सारे। हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए हमने अपने सारे तिल के लड्डू ऐसे ऐसे करके बांध लिए। आप मिश्रण को ठंडा ना होने दें, बस हाथ पे पानी लगा लगा के जल्दी जल्दी लड्डू बांध दें। और अगर आपको लगे कि मिश्रण कहीं कड़ा हो रहा है तो गैस पे हल्की आंच पे इसको गर्म कर लीजिए और फिर बनाने लगिए। सो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, बाय।